फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लॉकडाउन में घर में पितरों का तर्पण कैसे करें। ये तर्पण मुझे गया जी में गया जी के पंडित ने बताया था, जब हम गया जी अपने पितरों का, पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए गए थे, अब से 10 साल पहले 2011 में। तब पंडित जी ने मुझे ये तर्पण की विधि बताई थी। मैंने उनसे पूछा था कि अगर हमारे को ये शास्त्रोक्त विधि से मंत्र नहीं आते हो, या अगर संस्कृत के मंत्र हम कहीं पर देख कर भी पढ़ लें लेकिन संस्कृत नहीं जानने की वजह से हम उनका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते, तो मंत्रों की जो भाव है वो गलत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तब पंडित जी ने मुझे बताया था कि अगर आपको कुछ भी ऐसी स्थिति में कुछ भी कोई भी मंत्र नहीं आता, या मंत्र आपके सामने है लेकिन आपको संस्कृत नहीं आने की वजह से आप प्रॉपरली उसको उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति में आप अपने पितरों के निमित्त जो जल अर्पण करेंगे, जो जल का तर्पण उनको देंगे, वो आप ये बोलकर दें कि हे पितरों, मेरा जल आप स्वीकार करें। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि कैसे आपको क्या बोलना है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में। उसके साथ ही मैंने उनसे पूछा था कि पंडित जी, जो हमें तर्पण करना है उसमें हमें क्या क्या जरूरी है और क्या क्या हमें डालना चाहिए। सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें पीतल का लोटा ही लेना चाहिए, तांबे का लोटा ही लेना चाहिए, या चांदी या सोना, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन गया जी में पंडित जी ने जब हमें बताया था कि तर्पण करते समय क्या क्या जरूरी है, तब उन्होंने हमसे नए बर्तन खरीद के लाने के लिए बोला था। सेकंड थिंग, उनसे हमने पूछा था कि हम कौन से बर्तन लाएं, तो उन्होंने कहा था कोई से भी, तांबे के, पीतल के, स्टील के, जो भी आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप बर्तन ला सकते हो। तब हमने स्टील के बर्तन खरीदे थे। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपको तर्पण के लिए तांबे का लोटा ही चाहिए, पीतल का लोटा ही चाहिए, आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। जो भी लोटा आपके पास है आप वो ले सकते हैं। मेन मतलब आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आप अपने पितरों को आमंत्रित करके शुद्ध हृदय से आप उनका तर्पण करने, आपके भाव अच्छे होने चाहिए मन के कि आपको पितरों का तर्पण करना है, उनको जलांजलि देनी है। तो चलिए देखते हैं हमें तर्पण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें चाहिए एक लोटा साफ जल। ये पीने वाला पानी होना चाहिए क्योंकि हम पितरों को तर्पण कर रहे हैं, ये कोई भी दूसरा जल नहीं होना चाहिए। आपको पीने का पानी, साफ पीने वाला पानी यूज करना है। उसके बाद आपको लेने हैं काले तिल। तिलों का बहुत महत्व है आज की पूजा में। काले तिल से मिले हुए जल से पितरों को तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक तिल का दान 32 शेर स्वर्ण तिलों के बराबर होता है। इसलिए हमेशा जल में तिल जरूर मिला, हमेशा जल में जो आप तर्पण के लिए जल दे रहे हैं उसमें आप काले तिल जरूर से मिलाएं। सफेद तिल नहीं, सिर्फ काले तिल हमें चाहिए। अब हम सबसे पहले तिल लेंगे। अब तिलों को हम डायरेक्ट पानी में नहीं डालेंगे। पानी में तिल लेने से पहले सबसे पहले हम फ्लेट में तिल लेकर साफ करेंगे। कई बार तिल के अंदर क्या होता है, देखिए ऐसे छोटा छोटा कचरा होता है, तो आपको वो कचरा निकालना है। तिलों को एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तिलों को एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उनमें बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए। जो साफ सुथरे एकदम स्वच्छ तिल होंगे वही आप उनको जल में डालेंगे। तो देखिए ये हमने एकदम साफ तिल कर लिया, अब हम इनको जल में डालेंगे। साथ ही साथ आपको चाहिए गंगा जल। गंगा जल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बॉटल बाजार, देखिए हम इसमें गंगा जल डालेंगे। और अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल है तो गाय का दूध भी डालेंगे, लेकिन दूध सिर्फ गाय का ही होना चाहिए। अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ पानी डालें और उसके अंदर काले तिल डालें। और कुछ अगर आप मीठा भी इसमें डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सिर्फ शहद डालें, तो आप इसके अंदर शहद डालें। पितरों की पूजा में शहद, काले तिल, गाय का दूध, गाय के दूध का ही बना हुआ घी, इन सब चीजों का बहुत महत्व है। साथ ही साथ कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ उंगली के बीच में कुशा दबाकर इधर से जल समर्पित करते हैं। लेकिन जब मैंने पंडित जी से पूछा था तो पंडित जी ने मुझे कहा था अगर आपको कुशा नहीं मिलती है और वो सब आपको नहीं आता है तो आप सीधे जल लें और जल लेकर पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उनका तर्पण दें। तो चलिए अब हम कैसे तर्पण करना है ये आपको दिखाते हैं। आपको पितरों के निमित्त जल देना और बोलना है हे पितरों पधारिये, पितरों को जलांजलि ग्रहण कीजिए, पितरों हे पितरों पधारिये और ये जलांजलि मेरे द्वारा ग्रहण कीजिए। तो आपको इस तरह पितरों को जल की तिलांजलि देनी है तिल डालकर। उसके बाद दक्षिण दिशा के मुंह की तरफ ही मुंह करके आप थोड़ी सी भूमि साफ करें, थोड़ी सी भूमि साफ जल से साफ करने के बाद उस पर पितरों के निमित्त थोड़े से जल जौ समर्पित करें तीन बार। और इस समय भी आपको यही बोलना है हे पितरों ये जौ की तिलांजलि हमारी तरफ से स्वीकार करें। और साथ के साथ ही आपको थोड़े से
काले तिल भी अर्पण करने हैं और हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। पितरों से किसी भी गलती के लिए आपको क्षमा मांगनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर ही मुंह करके आप अपने पितरों को अगरबत्ती दिखाएंगे और उसके बाद ये अगरबत्ती आप किसी भी पेड़ में लगा दें प्रार्थना। और ये जो जौ और जो काले तिल हमने समर्पित किए हैं, इनसे तर्पण किया है पितरों का, ये आकर कोई भी पक्षी खाकर चले जाएंगे। सेकंड थिंग, अगर आप ये तर्पण जो हमने अभी डायरेक्ट दिया है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, अगर आप इसे किसी थाली में या किसी दूसरे बर्तन में कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो पानी बिल्कुल भी ऐसी जगह न जाए कि वो पानी बर्बाद हो। आपको वो थाली का पानी किसी पौधों में, किसी वृक्ष के अंदर ही डालना है, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिराना है। तो ये छोटी सी तर्पण की विधि थी जो मुझे गया जी के पंडित जी ने गया जी में बताई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी जानकारी शेयर की है, ये मुझे गया जी धाम में जब हम पिंडदान करने के लिए गए थे तब पंडित जी ने बताई थी, वही जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं गया जी के पंडित जी ने जो मुझे बताया था उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें।